नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारी कलाकार हैं, हमारी मेहमान हैं भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना प्रिया वेंकट रमन जी। पहले हिस्से की बातचीत आपने कल देखी थी, आज देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। भरतनाट्यम या जो शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं उनमें कुछ विषय बहुत परंपरागत थे कि भक्ति है, कृष्ण है, फला है, मीरा है, दिस है, दैट है, इस तरह के जो विषय आए, और अब बहुत बहुत वैरायटी आ गई है विषयों में कलाकारों को। खासतौर पे जो यंग आर्टिस्ट है वो तो हर विषय पर बात कर रहे हैं। आज गंगा की सफाई पर बात हो रही है, आज वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, आज बेटियों पर बात हो रही है। ये डांस के विषय जो इतने विविध हुए हैं, इसमें आप जब अपने लिए कोई कोरियोग्राफी के लिए कोई विषय चुनती हैं तो किन बातों का ध्यान रखती हैं? इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो कोरियोग्राफी उसमें की जा सकती है या नहीं, या इस बात का ध्यान रखती हैं कि ये मास तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा? किन चीजों को आप प्रायोरिटी देती हैं? अच्छा शिवेंद्र जी, सॉरी, मैं माफी चाहूंगी कि मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात कर रही हूँ। अच्छा, टू आंसर योर क्वेश्चन, सी आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो जो भी है, यस, आई लव डूइंग ट्रेडिशनल पीसेस, जैसे आपने कहा कि कृष्णा राधा हो या यू नो जयदेवाज फ्रॉम गीत गोविंदा, अष्टपदीज आर माई ऑल टाइम फेवरेट, जो भी हो, और द टैंजर क्वार्टेट, वर्नम्स, जो हम करते ही हैं। बट इसके अलावा इट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड जस्टिफाइड टू डू कंटेम्प्रेरी यू नो इश्यूज, रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ये तो होना ही था, बिकॉज वी आर लिविंग इन प्रेजेंट टाइम्स, सो यू कांट ऑलवेज गो बैक टू द पास्ट। अभी इट डिपेंड्स इफ यू आर परफॉर्मिंग एट अ कॉन्फ्रेंस विच इज एड्रेसिंग सर्टन नीड्स, सर्टन विमेन्स रिलेटेड इश्यूज, और आपको करना है थ्रू आर्ट के माध्यम, डांस के माध्यम आपको कुछ मैसेज करना है, तो ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है और ये करना चाहिए। बट बी ट्रू टू योर फॉर्म, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू कीप इन माइंड व्हेन आई डू अ पीस ऑफ कोरियोग्राफी। उसमें कोई गलत चीज नहीं है कि आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, but I don't think this term contemporary, I don't know if I would call it contemporary, it's just a different theme that you are using instead of using traditional poetry, and it's also, I've done that and it's a lovely experience. In fact, this thing that I'm doing on the 6th of August is something that's a little hatke. This is not a traditional piece of poetry that we are going to be using, because वो एक conference के लिए है and that is the theme that the organizers wanted. तो उसमें कोई गलती नहीं है, but we are using traditional movements. तो be true to your dance form, be true to the grammar, be true to the vocabulary of your own art form. As long as you're doing that, I don't think there is anything wrong with moving away, deviating from the traditional poetry.
बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे बड़े बड़े गुरु भी कहते हैं कि फ्यूजन होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका आर्ट फॉर्म जो है बिल्कुल उसका बिल्कुल ग्रामर जो है वो फॉलो करते हुए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो हर उस प्रयोग का स्वागत है। अच्छा प्रिया, मेरे मन में एक बहुत, मतलब मुझे चूंकि डांस नहीं आता और मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, ये मेरा आउट ऑफ लव कह लें कि मैं फॉलो करता हूँ, चीजें देखता हूँ, इसीलिए ये मंच भी है, इसीलिए कलाकारों से बातचीत भी करता हूँ, 7-8 साल हो भी गए अब धीरे धीरे। जैसे एक गायक है और मान लेते हैं कि वो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है, तो बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनता है, आमिर खान साहब को सुनता है, मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनता है, या राशिद खान साहब को सुनता है, अजय चक्रवर्ती जी को सुनता है, भीमसेन जी, जसराज जी, इस तरह के महान गायकों की लंबी फेहरिस्त है, और फिर वो सुन के कोशिश करता है कि यार ये वाली तान जो है ना, इस तान को ऐसे लेने की कोशिश करता हूँ। क्या डांस में भी ऐसा होता है? क्या आप लोग भी, ये जो बड़े बड़े डांसर्स हैं आपके फील्ड के, भरतनाट्यम के जो बड़े बड़े डांसर्स हुए देश में, क्या आप लोग भी उनके डांस देखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि हाँ ये जो चीज गुरुजी ने की या ये जो की, इसको मैं भी कोशिश करूंगी? बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि कितने महान कलाकार हैं एंड आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय सो मेनी ग्रेट डांसर्स, बी इट गुरुजी, बी इट लीला जी, देयर बीन सो मेनी ग्रेट डांसर्स दैट हैव एंजॉयड वाचिंग. एंड कभी कभी लगता है, और कभी कभी ऐसे भी लगता है, अरे बाप रे, उन्होंने ऐसे किया ये क्षेत्र या पदम, ये ऐसे तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी. वो भी लगता है, जैसे कभी कभी लगता होगा उनको कि महान गायक जिन्होंने गाया, कि इन्होंने ऐसे कैसे गाया, हम तो कभी नहीं गा पाएंगे ऐसे. वो भी वैसे भी लगता है, और कभी कभी दिल करता है कि इन्होंने ऐसे किया कि हमें भी ऐसे करना चाहिए, और उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करके देखते हैं तो कितना सुंदर लगेगा. सो डेफिनेटली एंड आई थिंक विदाउट नोइंग, अननोइंगली अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट कॉपिंग आर गुरुज. वो तो होता भी है कि वी बिकम क्लोन्स ऑफ आर गुरुज इन अ वे. अच्छा, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम, प्रिया अब तो खैर आप लंबा समय हो गया स्टेज पे, अब तो आप खुद बहुत सालों से सिखा रही हैं, लेकिन जब आपके इनिशियल परफॉर्मेंस थे शुरू में, जो 2-3-4-5 साल, उसमें कभी ऐसा हुआ कि सामने पता चला, पहुंचे, लाइट जली और सामने 2-3 ऐसे दिग्गज दिखाई दिए डांस के, कि लगा कि अरे बाप रे, गए आज तो, कैसे डांस करेंगे, कैसे पैर चलेंगे, कैसे अभिनय होगा, ये इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, ये वाली फीलिंग कभी आई, या ये लगा कि यार ये आज तो बहुत कमाल का मौका है मेरे पास, आज अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो ये जो इतने बड़े बड़े नाम सामने बैठे हैं, ये तारीफ करके जाएंगे, ये पीठ पे थपथपी देकर जाएंगे? नहीं, ये तो आज भी होता है शिवेंद्र जी. सो आई वुड बी लाइंग टू से, आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि कभी डर महसूस ही नहीं हुआ. बट या कभी ये नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस रोकना पड़ा. बट दैट लिटिल बिट यू ऑलवेज हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले, एंड मे बी इवन थ्रू द फर्स्ट पीस टिल द बॉडी वार्म्स अप. वो डर तो रहता ही है. And then maybe a little bit of शुरू में तो of course there would be like a little dryness also in your throat. शुरू शुरू में I remember the first few years, but now I'm more comfortable with the stage after performing for so many years. But that little nervousness is always there before you get on stage, and I think it's good to be there. जब मैं बहुत ज्यादा comfortable हो जाती हूँ, मेरे लिए personally speaking मुझे लगता है कि आज शायद ठीक नहीं जाएगा. So I feel it's good to be a little nervous बिफोर आई स्टार्ट, बिकॉज फिर परफॉर्मेंस ठीक जाएगा. हाँ, वो जैसे कहते हैं ना क्लासिकल म्यूजिक में, कि गाते गाते थोड़ा गला जब गर्म हो जाता है तब वो सारी चीजें बिल्कुल सही निकलने लगती हैं। अच्छा, हाँ अब एक चीज और मुझे बताइए प्रिया, हम जिस दौर में हैं इस वक्त, और इंटरनेट का क्या स्टेज है, वो हम जानते हैं कि स्टेज पे इंटरनेट है, बच्चों का जो एक्सपोजर है इंटरनेट को लेकर, और अभी तो कोरोना के बाद जो हम लोग अपने बच्चों को मना करते थे कि नहीं कंप्यूटर पे ज्यादा देर मत बैठो, मोबाइल ज्यादा देर मत देखो, हमारी भी मजबूरी थी कि हमको अलाउ करना पड़ा कि हाँ 6-6 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे तो क्लासेस चल रही होती थी। इन बच्चों को अगर आपको भरतनाट्यम या कथकली या मणिपुरी या कथक, इस तरह के डांस फॉर्म को दिखाना है और उनको समझाना है कि देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करो, कलाकार बनना जरूरी नहीं है लेकिन देखो सीखो, क्या करना पड़ेगा? क्या हमको इस डांस फॉर्म को कुछ आसान करना पड़ेगा, या इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे? कैसे इसकी रीच हम कैसे आम बच्चों तक कैसे लेके जाएंगे?
एक्चुअली शिवेंद्र जी, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस. पैंडेमिक से पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं सिखा रही थी. इनफैक्ट जब हम आए वापस, मैंने 10-12 साल शिकागो में बिताई थी शादी के बाद, और उसके बाद 2003 वी मूव बैक टू गुड़गांव. तो तब मेरे को काफी लोगों ने बोला कि आप स्काइप में क्लासेस शुरू कीजिए, एंड आई रिफ्यूज्ड कम्प्लीटली, बिकॉज मैंने कहा ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं, और उन दिनों तो इतना पॉपुलर भी था नहीं. बट नाउ आई हैव गॉट अ बिग क्लाइंटेल, काफी स्टूडेंट्स मेरे से सीखते हैं गुड़गांव में. तो जब ये 2020 में पैंडेमिक की वजह से जब रोकना पड़ा क्लासेस, तो अचानक वी डिडंट हैव अ चॉइस, और ये जूम, आई एम नॉट टेक सैवी एट ऑल, तो मेरे स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट मेरे को सिखाया कि कैसे ये जूम प्लेटफॉर्म यूज करना है, कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं, म्यूजिक, ये सारा. नाउ लुकिंग बैक, मेरे को लगता है अगर मैंने ये 2 साल उनको मैंने नहीं सिखाया होता, तो काफी बच्चे बिल्कुल दे वुड हैव जस्ट स्टॉप्ड ट्रेनिंग कम्प्लीटली. बिकॉज वो जब ब्रेक हो जाता है ट्रेनिंग में 2 साल के लिए, तो बहुत ही मुश्किल है. किसी भी, ये अडल्ट के लिए भी इट्स द सेम थिंग. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक टू समथिंग दैट यू हैव स्टॉप्ड, गिवन अप फॉर 2 years. सो दैट आई एम रियली थैंकफुल फॉर, दैट दे कंटिन्यू टू डू दिस. बट इज इट द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो? नहीं, क्योंकि मैं उनको काफी टाइम, आई वॉज गेटिंग मेंटली एग्जॉस्टेड, तो मेरे को सोचना पड़ रहा था कि कैसे मैं उनको इंटरेस्टेड रखूं. I had to do a lot of screen sharing where I was showing them performances. अपने मैं उनको performances दिखा रही थी, ज्यादा time नहीं, मैं उनको items दिखा रही थी. I would share with them कि देखो ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है. I would show them other people's performances from YouTube. हम उसकी चर्चा करते थे, you know, just to make it more interesting, क्योंकि मैं उनको बैठ के अभिनय सिखा रही हूँ या मैं उनको नृत्य सिखा रही हूँ, it became boring after a while. And काफी बार मैं उनको, I would just do a piece and they would follow me, you know, like a yoga class, rather than my sitting and watching what they were doing, कि मैं बस ये कर रही हूँ, अब मेरे साथ movement follow करो. So you just have to think of ways of doing it. But इसमें भी limitations हैं, क्योंकि मैं अब 6 screens देख रही हूँ या 10 screens देख रही हूँ, और हर एक का sound अब अलग अलग आ रहा है, तो I am not able to figure out, क्योंकि वो सब muted हैं, कि किसका साउंड वो कौन ठीक कर रहा है. इट इज अ बिग चैलेंज, बट यस, यू कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस. अब ये स्वराज वाले प्रोग्राम के लिए भी मेरे 7-8 स्टूडेंट्स आए हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई से, एक लंदन से भी आई हुई हैं. सारे इसी वीकेंड दे हैव टेकन फ्लाइट्स एंड दे हैव कम बाय ट्रेन. इस वीकेंड तक दे वर ऑल कमिंग ऑन जूम, सबने जूम में रिहर्सल्स किया. इस वीकेंड से हमने फिजिकल रिहर्सल्स चालू किए. सो दिस वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ जूम क्लासेस, एंड दे रियली वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट. अगर ये प्री पैंडेमिक होता तो मैंने कह दिया होता तो आप लोग तो नहीं कर सकते हो, बिकॉज वन वुडंट हैव थॉट दैट दिस वुड बी पॉसिबल. सो दिस हैज गिवन अस अनदर अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड माई स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर. But is it the best scenario? ये हमें सोचना है. Maybe it has allowed us to reach to different parts of the country, different parts of the world. I have students, old students from Chicago, जो आके मेरे से सीख के जाते हैं, online classes वो कर पाते हैं. So these are advantages also of these online classes. आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिन गुरुओं से आपने सीखा, जितना नृत्य सीखा वो तो एक अलग पहलू है, नृत्य से अलग क्या उन गुरुओं ने से ये भी सीखने को मिला कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए कितना सहज होना कितना जरूरी है? सॉरी शिवेंद्र जी, वो रिपीट करेंगे? एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपका सहज होना कितना जरूरी है, हम्बल होना कितना जरूरी है, पोलाइट होना कितना जरूरी है? यस यस, आई फील आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल 3 ऑफ माय गुरुज, एंड ऑफ कोर्स देयर बीन अदर्स आल्सो इन द मिडल, ऑल ऑफ देम, एंड आई बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट. आप तो मिले हुए हैं सरोजा जी से, एंड मेरे इवन लक्ष्मण जी एंड ब्रगा जी, आई हैव बीन ट्रूली ब्लेस्ड. देयर ट्रूली हम्बल ह्यूमन बीइंग्स, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, एंड आई हैव बीन
वेरी ब्लेस्ड, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. बहुत जरूरी, ये तो मैं उनको देख के यू नो आई हैव लर्नड अ लॉट. आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक दिस वी जस्ट इम्बाइब. शिवेंद्र जी, ये हमें सिखा नहीं सकते कोई. आई थिंक आई बिकम, हाँ, ये दिस इज समथिंग दैट कांट बी टॉट. दिस जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द थ्री ऑफ देम आई हैव लर्नड, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर सच डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग्स, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, दैट आई हैव ट्रूली बीन ब्लेस्ड. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है. और बड़े कलाकारों से सीखने में सिर्फ आप सही नृत्य या सही गायन या सही वादन ही नहीं सीखते, पूरी की पूरी जीवन शैली सीखते हैं, जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, एक कलाकार को कैसे गढ़ा जाता है उस प्रक्रिया को सीखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी आपका, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके मौजूदा प्रोजेक्ट्स के लिए भी और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी. आपने समय निकाला इसके लिए, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच शिवेंद्र जी, थैंक यू.